नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। तेज धमाके के साथ फटी ई रिक्शा की बैटरी, 5 लोग झुलसे। आपको बता दें कि जनपद बिजनौर के कस्बा झालू में एक ई रिक्शा का बैटरी फटने के कारण ई रिक्शा सवार एक महिला सहित 5 लोग बुरी तरह से तेजाब से झुलस गए हैं। कस्बा झालू के मोहल्ला इस्लामाबाद निवासी 40 वर्षीय शमीम अहमद पुत्र कफील अहमद ई रिक्शा चलाता है। उसकी ई रिक्शा में झालू से ही बिजनौर जाने के लिए रईस पुत्र मुन्ना शाह उम्र 45 वर्ष निवासी मोहल्ला इस्लामाबाद झालू बैठ गया। साथ ही झालू से ही संजय बंसल पुत्र नवरत्न सिंह उम्र 47 वर्ष निवासी मेरठ, उनकी मंजू पत्नी संजय बंसल उम्र लगभग 45 वर्ष निवासी मेरठ व उज्ज्वल पुत्र संजय बंसल उम्र 15 वर्ष निवासी मेरठ, तीनों भी इसी ई रिक्शे में बिजनौर जाने के लिए बैठ गए। जैसे ही ई रिक्शा चालक ई रिक्शा को लेकर खारी से पहले अपना बैंकेट हॉल के सामने पहुंचा, तभी ई रिक्शा का बैटरी अचानक से फट गया और ई रिक्शा में सवार सभी लोग बुरी तरह तेजाब से झुलस गए। सूचना पाते ही झालू चौकी प्रभारी सुभाष राणा, हेड कांस्टेबल शक्ति पावर तथा हेड कांस्टेबल मनीष तोमर के साथ दुर्घटना स्थल पर पहुंचे। एसआई सुभाष राणा ने प्राइवेट वाहन की मदद से झुलसे लोगों को उपचार हेतु जिला अस्पताल भिजवाया, जहां उनकी स्थिति को देखते हुए उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार चौकी प्रभारी सुभाष राणा तेजाब से झुलसे लोगों को उपचार हेतु मुजफ्फरनगर के गाँव गंदासपुर ले गए। बिजनौर से सैफ मंसूरी की रिपोर्ट। मैं क्षेत्र अधिकारी नगर अवगत कराना है कि आज दिनांक 5 फरवरी को थाना हल्द्वार के खारी क्षेत्र में एक ऑटो रिक्शा की बैटरी फट जाने से 5 लोग घायल हो गए। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल थाना हल्द्वार के द्वारा 5 व्यक्तियों को उपचार हेतु जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। डॉक्टरों द्वारा बताया गया कि सभी लोग खतरे के बाहर हैं, अन्य कार्यवाही विचलित है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं।